वेलकम फ्रेंड्स टू बॉन्ग पंजाबीज, मैं हूँ शर्मिला और आज का टाइटल देख के आप समझ गए होंगे वीडियो है मेरे बालकनी मेकओवर के ऊपर। वीडियो में जाने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल। तो देखिए, ये है मेरी बालकनी बिफोर दिस मेकओवर। बहुत सिंपल सा रखा था मैंने, प्लांट्स मैंने रखे थे और देर वॉज नथिंग एल्स। कोई डेकोरेशन मैंने नहीं करी थी इस बालकनी में और इट वॉज वेरी सिंपल, बस प्लान से ही मैंने डेकोरेट किया था। तो सिंस दिस इज़ माई मास्टर बेडरूम बालकनी, तो आई वॉन्टेड कि यहाँ पर कुछ मैं डेकोरेट करूँ, थोड़ा व्यू अच्छा आए मेरी बालकनी से। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले मंगवाया इस तरीके का एक ग्रास का कारपेट। तो ये ग्रास का कारपेट आपको अमेजोन पर ईजिली मिल जाएगा। मैंने अपनी बालकनी का साइज़ मेजर करके उसी साइज़ का मंगवाया है ये ग्रास कारपेट। और जो इसका साइज़ मैंने मंगवाया है वो है 5.5x9 feet का मैंने मंगवाया है। और आप देख सकते हैं इसके पीछे इस तरीके से होल्स रहते हैं जिससे कि पानी वगैरह ड्रेन आउट हो जाता है। मैंने एक और बालकनी में इस तरीके का ग्रास कारपेट लगाया है और मुझे अभी तक कोई तकलीफ नहीं आई है, काफ़ी अच्छा चल रहा है वो लास्ट 1.5-2 साल से। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस बालकनी में भी ये लगाया जाए। ईजी टू मेनटेन रहता है, आप इसको वॉश कर सकते हैं, इस पर मॉपिंग और स्वीपिंग भी जैसे आप नॉर्मली झाड़ू पोछा करते हैं वैसे कर सकते हैं। तो मैंने ये साइज़ के हिसाब से ही मंगवाया था, पर फिर भी ये थोड़ा सा साइज में बड़ा था क्योंकि मेरी बालकनी का एग्जैक्ट मेजरमेंट 5.5x9 नहीं था। तो आप इसको इजीली किसी भी कटर से कट कर सकते हैं। मैंने अभी कट नहीं किया है, मैंने फोल्ड करके ही लगाया हुआ है, बट आप इसको कट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके का कुछ लुक आ रहा है मेरी बालकनी का अब ये ग्रास कारपेट लगाने के बाद। ये वाला कारपेट 35 mm का हाई डेंसिटी ग्रास कारपेट है और इसका प्राइस मुझे अमेजोन पे पड़ा था ₹33.16। आज मैं जो भी कलेक्शन दिखा रही हूँ वो मैंने अपने हॉलपैक स्टोर में शेयर कर दिया है। लिंक आपको उसका मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे आप मेरे हॉलपैक स्टोर पे पहुँच जाएंगे जहाँ से आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। तो इट इज़ शॉपिंग मेड ईजी फॉर यू, आप एक ही जगह से सारी शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये जो सेकेंड प्रोडक्ट है ये है बटरफ्लाई फ्लाइंग स्टिक्स। गार्डन डेकोर के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 12 के सेट में ये आता है और काफ़ी लंबा स्टिक होता है और इसमें स्प्रिंग लगा होता है। तो इन विंड ये शेक करता है लाइक अ रियल बटरफ्लाई, देखने में बहुत ही अच्छा लुक आता है, काफ़ी कलरफुल सा है। और इसका प्राइस जो है काफ़ी नॉमिनल है, ओनली फॉर ₹189 यू विल गेट दीज 12 स्टिक्स। मुझे तो काफ़ी क्यूट लगा है ये प्रोडक्ट। आपको भी अगर इस तरीके का कुछ प्रोडक्ट चाहिए तो आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। तो इस बालकनी डेकोर के लिए जो मैंने अगला प्रोडक्ट मंगवाया है वो इस तरीके के 3 सेट ऑफ हेक्सागोनल मॉडर्न आर्ट डेकोर है जो कि MDF बोर्ड पे बना हुआ है। 21x21 इंच का साइज़ है, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है। इसका जो पेंटिंग है वो मुझे काफ़ी कलरफुल अट्रैक्टिव सा लगा था। और इसके पीछे आपको इस तरीके के स्टिक ऑन डबल साइडेड टेप मिल जाएंगे, तो आप इसको किसी भी सर्फेस पर स्टिक कर सकते हैं ईजिली। प्राइस भी इसका काफ़ी नॉमिनल है, ओनली फॉर ₹149 आपको ये 3 का सेट मिल जाएगा। क्वालिटी इज़ क्वाइट गुड, MDF बोर्ड पे है और देखने में बहुत ही अच्छा लुक आता है। इसमें आपको और भी डिज़ाइन अमेजोन पे मिल जाएंगे, मुझे ये पर्टिकुलर डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा था। अगर आप भी इस तरीके का कुछ लो बजट में वॉल डेकोर ढूंढ रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि दिस इज़ अ गुड बाय, आप डेफिनेटली इसको परचेज कर सकते हैं। बहुत ही क्यूट डिज़ाइन है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो पर लाइक प्रेस करना मत भूलिएगा और अगर नए आए हैं मेरे चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आप में से जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको शायद पता होगा कि मुझे प्लांट्स का काफ़ी शौक़ है और मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग प्लांटर्स ढूंढती रहती हूँ। तो ये एक और प्लांटर मुझे अमेज़ॉन पे दिखा था, लियो कार्ट का सेट ऑफ 4 सिरेमिक प्लांटर। मुझे काफ़ी अच्छा लगा था ये देखने में और मैंने मंगवा के देखा तो इसका जो क्वालिटी है दैट इज़ वेरी गुड। आप देख सकते हैं डिज़ाइन इज़ वेरी यूनिक, 4 अलग अलग शेड्स में ये आपको मिलेगा। वॉल माउंटेड है, सिरेमिक का है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है, आप इसको किसी भी दीवार पे लगा सकते हैं इंडोर आउटडोर और इट विल डेफिनेटली लुक वेरी गुड। इसके साथ आपको स्क्रूज़ भी मिलेंगे तो आपको अलग से कुछ परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो अमेज़ॉन पे प्राइस है वो है ₹1199। सो ₹1199 में आपको ये सेट ऑफ 4 सिरेमिक वॉल हैंगिंग प्लांटर्स मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन और कलर्स में। सो आई वुड हाईली रिकमेंडेड, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर सच क्यूट लिटिल प्लांटर्स फॉर योर बालकनी और फॉर योर रूम एज वेल।
जो अगला प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है वो भी गार्डन डेकोर से रिलेटेड ही है और मुझे काफ़ी क्यूट लगा था पिक्स में, तो मैंने मंगवाया और रियल में भी वो उतना ही क्यूट है। आप देख सकते हैं इस तरीके का ये गार्डन डेकोर आर्टिफिशियल जूट वॉल हैंगिंग बर्ड नेस्ट है जो आप अपनी बालकनी में लगा सकते हैं। बहुत ही क्यूट प्रोडक्ट है और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है। आप देख के बताइए आपको ये कैसा लग रहा है। डिटेलिंग बहुत अच्छी है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं। और इसका जो प्राइस है अमेज़ॉन पे वो है ₹325 में मुझे तो ये काफ़ी क्यूट प्रोडक्ट लगा है। अगर आपके पास DIY वगैरह करने का टाइम नहीं है तो आप इस तरीके के बालकनी डेकोर डेफिनेटली देख सकते हैं। इस बालकनी डेकोर में मैं एक और अमेज़ॉन का प्रोडक्ट यूज़ करूँगी जो कि है इस तरीके का वुडन बर्ड हैंगिंग। ये आप इंडोर आउटडोर कहीं पे भी लगा सकते हैं। सेट ऑफ टू में मैंने ये लिया था और काफ़ी कलरफुल है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। जयपुरी हैंडीक्राफ्ट है। जो इसका प्राइस है अमेज़ॉन पर वो ₹399 है। क्वालिटी वाइज इट इज़ वेरी गुड, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इस मेकओवर के बाद मेरी बालकनी का लुक किस तरीके का आ रहा है। मोस्टली जो प्लांट्स यहाँ पे मैंने लगाए हुए थे मैंने वही रिटेन किए हैं। मैंने ये प्लांट स्टैंड भी रिटेन किया है, उसी के ऊपर मेरे काफ़ी सारे प्लांट्स आ जाते हैं। ये मैंने एक लोकल नर्सरी से बाय किया था और ये रहा वो वुडन स्टैंड जो मैंने लास्ट अमेज़ॉन हॉल में आपके साथ शेयर किया था। इसको मैंने यहाँ पर डेकोर के लिए सेटअप किया है। प्लांट मैंने इसके ऊपर एक ही लगाया है। तो ये वो ग्रीन फेंस है जो मैंने अपने लास्ट हॉल में शेयर किया था। इस वाले वॉल पे कुछ और लगा नहीं सकते थे तो मैंने यही फिट कर दिया है यहाँ पर, और कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है। मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं नॉर्मल प्लास्टिक चेयर्स जिसके ऊपर मैंने वो कुशंस लगाए हैं जो कि अगेन मैंने अपने लास्ट हॉल में शेयर किया था। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर मैंने सीटिंग अरेंजमेंट बना दिया है। कुछ कलरफुल कुशंस ऐड करने से आप किसी भी पुरानी चेयर को भी अच्छा लुक दे सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे अपने पुराने चेयर्स को ही एक अच्छा वाइब्रेंट सा लुक दे दिया है और मुझे ये सीटिंग स्पेस काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक छोटी सी वॉल स्पेस थी जिसको मैंने यूटिलाइज़ किया है थोड़े बहुत अपने डेकोर आइटम्स लगाने के लिए। तो आपके साथ जो मैंने वीडियो में पहले शेयर किए थे कुछ डेकोर आइटम्स वॉल डेकोर के लिए वो मैंने इस वॉल पर लगा दिए हैं। इसी वॉल पे मैंने बर्ड नेस्ट भी टांग दिया है और यहाँ पे नीचे मैंने टांगा है मैक्रमे फेदर जो कि एक DIY है और मैंने खुद ही बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने कुछ गार्डन डेकोर से कॉर्नर को डेकोरेट किया है और फाइनली कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है इस पर्टिकुलर एरिया का। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वो सेरेमिक प्लांटर्स भी यूज़ किए हैं। मैंने यहाँ 3 ही प्लांटर्स यूज़ किए हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा कम था। और डोर के ऊपर मैंने LED बल्ब लाइट हैंग किया है जो अगेन मैंने अपने लास्ट हॉल में आपके साथ शेयर किया था। तो फाइनली ये मेरा जो बालकनी डेकोर है, बालकनी मेकओवर है, वो कम्प्लीट हो चुका है। इस बालकनी का नाइट व्यू भी बहुत ही प्यारा आ रहा था और आगे मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि इसका नाइट लुक किस तरीके का आ रहा है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेकओवर कैसा लगा। मैंने ट्राई किया है इसको सिंपल और प्रैक्टिकल रखने का। जो भी डेकोर आइटम्स है वो मैंने वीडियो के लिए थोड़ा सेटअप रेडी किया है, बट दैट कैन बी ईजिली रिमूव्ड, और काफ़ी प्रैक्टिकल रखा है मैंने इस बालकनी को। तो ये है इस बालकनी का नाइट लुक। आप देख सकते हैं कि लाइटनिंग के साथ जो बालकनी का लुक है वो बहुत ही प्यारा आ रहा है। मैंने इस वाले फेंस पर भी LED लाइट्स लगा दी थी और लुक जो आ रहा था बहुत ही सूदिंग और प्यारा सा लुक आ रहा था। आप देख सकते हैं मुझे तो ये लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये लुक कैसा लग रहा है।
तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं ये बालकनी मेकओवर वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई डू होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको भी कुछ आइडियाज़ मिले हों। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो डोंट फर्गेट टू प्रेस द लाइक बटन। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।